ये रिश्ता क्या कहलाता है। कार्तिक सिर्फ स्मार्ट और इंटेलिजेंट ही नहीं है, दिल का भी हीरा है। एक बार जिसे प्यार कर ले, एक बार जिसे अपना बना दे, उसके लिए जान भी दे सकता है। I'm really proud of you, my son. मुझे फख्र है कि तुम मेरे बेटे हो। मेरा मनीष जी का एक और बेटा है, दुनिया के लिए और आज से मेरे लिए। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वो है कार्तिक। सारी निशानियां, वो सारे सबूत जो ये साबित करते हैं कि वो आपका बेटा नहीं, मेरा बेटा है, वो सब दूर ले जाएंगे। ऐसे मरे मरे कदमों से क्या चल रहे हो? जवान हो, ताकत नहीं है, थोड़ा फुर्ती दिखाओ। जल्दी से केक लेकर इधर आओ। समझ, तुम ठीक हो? हाँ, तुम्हें लगी तो नहीं गई? यू ओके? ओ गॉड, आर्यन, इट्स ओके। केक ही है, मैं समझ सकता हूँ तुमने जानबूझकर नहीं किया। सॉरी, पता नहीं कब पैर थोड़ा उलझ गया। इट्स ओके। अकल के नहीं, सचमुच अंधे हो। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। ना काम करने की अकल है, ना इच्छा, बस पैसे चाहिए। पता नहीं माँ बाप ने भी ना कोई ढंग सिखाया, ना ही कोई तमीज। चले जाओ यहां से। और आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, सामने भी मत आना मेरे। सारा केक खराब कर दिया। अब ये इतने कम समय में नया केक कहां से आएगा? अभी बहू होती तो क्या करती, पता है ना? मुझे 2 मिनट दीजिए प्लीज, मैं कुछ करता हूँ। पार्टी का पूरा मजा ही खराब हो गया। सब कुछ उस आर्यन की वजह से हुआ है। स्टूपिड इडियट। क्यों किया ऐसा आपने मेरे साथ? क्यों? कसूर क्या था मेरा? जो मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, और मेरा बाप मुझसे नफरत करता है, नफरत, और जिन्हें मैं अपना माँ बाप समझता था, वो हमेशा मुझे झूठ बोलते हैं। क्यों पता लगने दिए सच्चाई? क्यों रहने देते रंजन? क्यों किया? कुछ ज्यादा ही लंबा दिन रहा नहीं आज का, और मजा भी नहीं आया। ना कोई मेहमान, ना मीडिया। मीडिया तो अच्छा ही है, माना ही था, अगर होता तो बेइज्जती नहीं हो जाती? हाँ, लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाता कि हमारी बहू का जन्मदिन मायके वालों ने मनाया।
वैसे लोग वापस क्यों नहीं आए हमारे साथ? नक्ष और कीर्ति ने उन्हें रोक लिया कि साथ में रहेंगे, बातें करेंगे, बस इसलिए। किट्टू को तो आराम करना चाहिए, इतना दर्द है उसे, दवाई खा के सो जाएगा तभी तो सुबह तक आराम मिलेगा ना। माँ नायरा है ना उसके साथ, वो सारी बातों का पूरा ख्याल रखेगी। सोना तुमने कैसे फाइल उठाई थी? क्या मेरी फाइल थी या मेरी है? नहीं तो मेरे ख्याल से शायद आर्यन ने। ना मतलब उस इडियट का मेरे सामने। I have no idea how you tolerate him. मुझे तो पहले दिन से अखरता है, समझ नहीं आता इतना बेवकूफ कोई आदमी हो कैसे सकता है। एक नंबर का नाकारा है, ऊपर से जितना समझदार बनने की कोशिश करता है अंदर से उतना ही इडियोटिक है। इंसान जिस माहौल में पलेगा वैसे ही ढलेगा ना, वैसे आते वक्त दिखाई नहीं दिया कहीं। कामचोर है माँ, देखा होगा कि काम है, तुरंत कहीं इधर उधर हो गया होगा। मेरे हिस्से की सारी खुशी, सब कुछ कार्तिक को दिया आपने, हक मार लिया मेरा, ये ठीक नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया। चाय पियो जल्दी से, घर चलते हैं। अरे सीधा घर नहीं जाएंगे, पहले लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। क्या हुआ तुझे, ऐसा क्यों मूड खराब है? वो सारी निशानियां, वो सारे सबूत जो ये साबित करते हैं कि वो आपका बेटा नहीं मेरा बेटा है, वो सब भूल ले जाएंगे। दुनिया के लिए और आप से मेरे लिए, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वो है कार्तिक। कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं, पता नहीं माँ बाप ने भी ना कोई ढंग सिखाया ना ही कोई तमीज। मेरी सब मुसीबतों की वजह तुम हो कार्तिक, तुम्हारी खुशी के लिए मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बाप ने कभी मेरी खोज खबर नहीं ली, उनसे बदला लेना है तो तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सुनो ना, हमें तुम्हारा कार चाहिए था कुछ देर के लिए। अरे नहीं यार, गाड़ी गैरेज की है, मालिक गुस्सा हो जाएगा। अरे विश्वास करो, कुछ नहीं होगा दोनों यार। अच्छा मेरे और मनीष जी और भी बना रहे, दुनिया के लिए, दुनिया के लिए और आपसे मेरे लिए, और आपसे मेरे लिए, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, सिर्फ एक ही। मारो है कार्तिक, मारो है कार्तिक। और आज के बाद कभी मुझे अपना शक्ल मत दिखाना, शक्ल मत दिखाना, सामने भी बताना मेरे, सामने भी बताना मेरे। दुकान पे रुकिए, इसका मतलब नायरा अंदर गई होगी दुकान में और कार्तिक कार में अकेला है। अच्छा है, यही सही मौका है कार्तिक से बदला लेने का। बड़े भैया
यू ओके? ओके? मैं ठीक हूँ। कुछ देखा तुमने क्या हुआ था? कार तो भागती, पार्किंग लाइट्स भी ऑन किए थे मैंने, फिर क्या हुआ? गार्थ, कुछ समझ में नहीं आया। एक स्ट्राइप्स वाली गाड़ी हमारी गाड़ी की ओर आ रही थी और पूरा रोड खाली है, कार साइड में भागती, फिर या तो कोई पागल गाड़ी चला रहा था, कुछ शराबी, ऐसे कोई टकराने का मतलब ही नहीं बनता। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने जानबूझ के किया। नारा मैडम को कुछ नहीं हुआ, आर्यन कार्तिक से बदला लेना है, लेकिन ऐसे नहीं, किसी की जान लेने का पाप मैं नहीं करूंगा, लेकिन कार्तिक से बदला तो मैं लेके रहूंगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है।